टोटल टोटल आपने कितने मैचेस देखे भाई? तू ईशा मेरा कार्ड है ना? अरे केटा दो आई, यू हैव टू प्ले फॉर द बैच ऑलवेज। हेलो यू ब्यूटीफुल पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। टाइटल देख के आप लोग को ऑलरेडी पता चल चुका होगा कि आज हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। तो आज हम लोग जा रहे हैं कारपेट पे फुटबॉल खेलने, जिसे हम लोग कहते हैं टर्फ। पर सवाल ये नहीं है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, सवाल ये है कि हम लोग क्यों जा रहे हैं। क्यों क्या? दोस्तों से मिलकर चुगली करने और पैसों में आग लगाने, और क्या। ये तो था ऑडियंस के सामने स्टाइल मारना। अब सच्चाई सुनिए, खेलने की जगह कहाँ है? ये देखिए, एक आध दो ही खेलने की जगह है बस, और सब पे तो फ्लैट्स बन रहे हैं। लेकिन ये बात तो है, दोस्तों के साथ खेलने का मजा ही कुछ और होता है। तो अपनी भावनाओं को संभालते हुए बिना किसी देरी के चलिए ले चलते हैं आप लोग को आज एक टर्फ के टूर। तो आज हम लोग जा रहे हैं नरेंद्रपुर के एक टर्फ में, जिसका नाम है वी प्ले। सो मैं आप लोग को बता दूं, वी प्ले का एक ब्रांच चिनार पार्क में भी है। सो नॉर्थ में रहने वालों, यू कैन डेफिनेटली चेक आउट दैट प्लेस, और साउथ में रहने वाले तो यहीं पे आ सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। सो द लैंडमार्क इज नरेंद्रपुर वुड स्क्वायर मॉल, 4th फ्लोर। एड्रेस आप लोग गूगल मैप में डाल लीजिएगा और यहाँ जल्द से जल्द आ जाइएगा। तो फिलहाल चलिए सीधे चलते हैं वुड स्क्वायर मॉल। सो गाइज, हम फाइनली पहुँच गए हैं वुड स्क्वायर मॉल, एंड दिस इज द एंट्री फॉर पार्किंग। और वहाँ पे एक अंकल खड़े हैं जो आपको हाथ दिखा के रोकेंगे ताकि एक टोकन आपको पकड़ा सकें। और गाइज, प्लीज़ डोंट लूज़ दिस टोकन, बिकॉज अगर आप टोकन घुमा दे रहे हो तो आपको निकलते वक्त काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, दे कैन इवन आस्क फॉर RC और योर ड्राइविंग लाइसेंस और डॉक्यूमेंट्स टू वेरीफाई दैट दिस इज़ योर व्हीकल। और आप बाहर भी पार्क कर सकते हैं, दिस इज़ फॉर 2-व्हीलर्स ओनली, और अंदर में भी पार्किंग अवेलेबल है। तो मैं आपको थोड़ा पार्किंग चार्जेस भी बता देता हूँ। सो इट इज़ 15 rupees फॉर 2-व्हीलर्स एंड 40 rupees फॉर 4-व्हीलर्स। दे डोंट चार्ज यू आर्ली, ये वन टाइम चार्ज है फॉर द एंटायर डे। एंड दिस इज़ द 1st फ्लोर ऑफ पार्किंग। यहाँ पे अगर फुल हो जाता है तो आप लोग नीचे भी जा सकते हो, तो आपको पार्किंग की तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली यहाँ पे। ये आ गए हम लोग अभी लिफ्ट में, तो अभी हम लोग जा रहे हैं 4th फ्लोर जहाँ पे है टर्फ। और फिलहाल हम लोग हैं सर्विस लिफ्ट में, क्योंकि नॉर्मल लिफ्ट में बहुत ज्यादा रश है, इसलिए हम लोग सर्विस लिफ्ट अवेल करके जा रहे हैं। एंड दिस इज प्योरली फॉर गुड्स, बट हम लोग बताए इसलिए हम लोग। So this is a sitting area where spectators can sit and enjoy the match, as well as players can use this for resting purpose as well. Change करने के लिए दो washrooms भी हैं, so you can use them as well. You know the best thing about this place is हवा बहुत अच्छी आती है यार. Unlike those covered turfs, which no doubt has proper ventilation, but this fresh air is missing. So I really like these kind of open turfs, and especially these rooftop ones. They are really, really good. This is my brother, who is a foreign return. Yes. 15 din foreign mein rehke aaya hai. Kam baat nahi hai. Hum log to koi bhi foreign nahi ja paaye. Halanki World Cup dekhne hi gaye the wo. Qatar mein gaye the. So Debo Jodi, how was your experience meeting Messi for the first time? It was really good. It was like was my dream come true. Watching Lionel Messi in front of me, dribbling जो है out of the world है। एक दो player, तीन चार player तो ऐसे dribble कर लेता है, सामने से देखने में तो अलग ही मजा आता है। That was world class. सब player घुस रहे हैं धीरे-धीरे। ना बड़ा क्या WhatsApp बाटी चलो। आकाश शर्मा, कैसे आप? अरे इतना late क्यों? ये boss है क्या ना? Boss block कर रहे हैं। It's time for kit up. मैंने kit up कर लिया है। हमारे साथ खेलने। अरे नहीं ब्रो, आज सिर्फ गोल मारने के फिराक में है, इत्तेफाक से तुम्हारे टीम में, वरना तुमको पेल दिए होते। तो ये आ गए हम लोग टर्फ के अंदर। अब ये हमारा प्रैक्टिस शुरू हो गया है, यहाँ सब प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग मैच शुरू करेंगे।
भी। और ये टर्फ आप लोग 2400 विथ लाइट्स एंड 1800 विदाउट लाइट्स में बुक कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ़ोन नंबर और एड्रेस दे दूंगा ताकि आप लोग लोकेट कर पाओ। अगर आप लोग के पास प्लेयर कम है तो आप लोग ये हाफ़ ग्राउंड भी बुक कर सकते हैं। इस हाफ ग्राउंड का प्राइस पड़ेगा 1400 विदाउट लाइट्स और 1800 विथ लाइट्स। तो यहाँ पे आपका दो गोल पोस्ट है तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा खेलने में। सो मैं आपको टर्फ का भी थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। ये टर्फ थोड़ा सा हार्ड है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। हम लोग बहुत जगह पे खेले हुए हैं पर ये टर्फ मुझे थोड़ा सा हार्ड दिख रहा है। तो देयर आर चांसेस कि अगर आप गिर जाएंगे तो ब्रूजेस या कट्स आ सकते हैं। तो आई वुड रिकमेंड कि आप नी कैप और आर्म जॉइंट्स कैप पहन के ही खेलें, है ना। तो मैच हमारा शुरू हो गया है, आप लोग तब तक एंजॉय करें मैच। कुछ अच्छे शॉट्स हैं, कुछ अच्छे मोमेंट्स हैं जो आई एम श्योर आप लोग को अच्छे लगेंगे। So the match has finally ended, exciting and exhausting as it was. Now time for a quick cooling down and then we'll change. फिर उसके बाद घर के लिए निकलूँगा। बारिश हो रहा है थोड़ा थोड़ा तो उसके पहले घर पहुँचना पड़ेगा। अलग ही लग रहा है, बहुत ज़्यादा शांत है। लाइट्स ऑफ कर दिया और बारिश हो रहा है। सो गाइज द मैच हैज़ फाइनली एंडेड, अभी हम लोग जा रहे हैं घर। अच्छा लगता है यार ऐसे बीच बीच में आके खेलना, हर वीकेंड में एक अलग से एक्साइटमेंट काम करता है। हर दिन इतना थकान के बाद सुबह सुबह उठ के एक अलग एक्साइटमेंट काम करता है कि आज जाएंगे हम लोग खेलने, बहुत मज़ा आएगा। पूरा दिन ऐसे एक्साइटेड रहता है कि आज शाम को खेलने जाएंगे ऐसा। तो अच्छा है, मतलब हर दिन तो हम लोग सब बिज़ी रहते हैं तो उस बीच में अगर सबसे मिलना हो जाता है, सब मेरे स्कूल के ही फ्रेंड्स हैं तो उन लोग के साथ मिलना हो जाता है तो सब मिला के इट्स अ गुड फीलिंग और वीकेंड अच्छा गुजरता है। जब मैच ख़त्म हो जाता है तो फिर नेक्स्ट वीकेंड का इंतज़ार रहता है। बट सही है यार, खेल कूद भी ज़िंदगी का एक हिस्सा होना चाहिए, मैं तो यही समझता हूँ। आप लोग भी खेल कूद करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सबसे इम्पॉर्टेंट है स्वस्थ रहिए। अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि उसी से हमारी मुलाकातें होती रहेंगी। मैं जो भी नया नया वीडियो लाऊंगा आप तक वो पहुँचेगा। तो मिलते हैं आप लोग से एक नए ब्लॉग में, तो तब तक के लिए बाय बाय।